रहते हैं कि भैया बैलेंस नहीं बन पाता है, जर्क आ जाता है, या शोल्डर से इतनी एटलीस्ट इतनी गैपिंग रख लो, पे हाथों को यहाँ रख लो, होल्ड करना है एक सेकंड के लिए ताकि आपकी मसल को। हाई वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग गाइस। तो जिम आ गए थे और जिम आके आज करेंगे कौन सी एक्सरसाइज वो गुरु जी बताएंगे। चलो अभी चलते हैं अपना जिम में। आज जैकेट वैकेट सब यार भूल गया, कल मैं जिम में ही भूल गया था अपनी जैकेटें। तो चलो चलते हैं जिम के अंदर, फिर करेंगे एक्सरसाइज। और भाई ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा, तो ठंड में अपना ध्यान रखो क्योंकि ठंड लग जाएगी तो फिर फेल हो जाएगा सिस्टम। आओ तो भाई अब चल रहे हैं अपनी जिम में। वर्कआउट होगा गाइस वो दिखाएंगे आप लोगों को। मैंने आज चेस्ट का वर्कआउट करना है बाय द वे, बट देखेंगे कि कौन सी एक्सरसाइज गुरुजी करवाएंगे। गुरुजी बताओ कौन सी करवाओगे आज? तो गुरुजी ने बोलेंगे चेस्ट और ट्राइसेप, तो एक ही एक्सरसाइज बना सकते हैं आप लोगों के लिए, वो करेंगे। तो आज ट्राइसेप का कर लेते हैं, ट्राइसेप का आज आपको वर्कआउट दिखाएंगे। और मेरे पास दो तीन डिफरेंट एकदम डिफरेंट पोजिशंस में एक्सरसाइजेस हैं, वेरिएशन में एक्सरसाइजेस हैं आपके लिए, जो कि ट्राइसेप को ट्रेन करेंगे। जो मेरा भाई बोलता है कि भाई हमारे ट्राइसेप को साइज नहीं मिल रहा है या कटिंग नहीं मिल रही है, उसी में ही कंबाइन करके आप लोगों को बताऊंगा। साइज चाहिए, देखो साइज चाहिए तो हैवी वेट मारो, कटिंग चाहिए तो लाइट वेट, और रेपिटेशन जितने मार सकते हो थका दो मसल को उतने करो। सिंपल सीधी सी बात है, ज्यादा दिमाग लगाना कैलकुलेशन लगाना एबीसीडी करना मेरे को आता नहीं। लाइट वेट सीधा अपनी कटिंग के लिए, हैवी वेट सीधा अपने मसल गेन के लिए। तो चलो तीन से चार एक्सरसाइजेस बताएंगे, कौन कौन सी होगी वो आप लोग के साथ शेयर करेंगे। बने रहना मेरे ब्लॉग पे, अगर नए हो मेरे चैनल पे तो। सो गाइस अपनी जो फर्स्ट एक्सरसाइज रहेगी ट्राइसेप को गेन करने के लिए, मसल गेन करने के लिए या कटिंग के लिए, ये करेंगे हम इस पे रोप से करेंगे, मशीन पे करेंगे। और अपने लिए जो सपोर्टिंग जो एरिया बनेगा वो सबसे अच्छा एरिया इसी पे ही बनता है मेरे हिसाब से। क्यों? जब आप इस पे रहोगे, आज खड़े होके कर हर बार खड़े होके बताता हूँ, बट खड़े होके आप कुछ मेरे भाई बोल रहे थे कि भैया बैलेंस नहीं बन पाता है, जर्क आ जाता है या शोल्डर पे आ जाता है, आज वो नहीं होगा बिल्कुल भी। वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि आज आपका प्रॉपर बैलेंस बनेगा, कंप्लीट बैलेंस पे ये वर्कआउट बताऊंगा आप लोगों को। क्योंकि जब भी आप बेंच पे करते हो तो आपका जो वेट होता है सारा सारा वेट आपका जो बॉडी का जो इधर उधर हिलडुल होने वाला होता है ना, वो इस पे ही हो जाता है। आपको ये बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील नहीं होने देता है। तो चलो इसके तीन सेट लेने हैं। मैंने इस पे जो वेट लगाया है वो लगाया है 25 का वेट लगाया है, रेपिटेशन एटलीस्ट 12 लेने हैं। चलो मेरा पहला ही सेट है, किस तरीके से करेंगे वो देख लेंगे। यहाँ पे इसे इतनी एटलीस्ट इतनी गैपिंग रखना ताकि आपको एरिया मिले अच्छा आपको स्ट्रेच करने का अपनी मसल को। तो चलो इस तरीके से चेस्ट अप रखना, हाथों को बिल्कुल चेस्ट के पास में रखना ताकि जब भी आप नीचे लेकर आओ तो अच्छा खासा आपको स्क्वीज करने का भी एरिया मिलेगा। चलो 1 2 3 और जब ऊपर जाएगा तो आपको गाइस एक चीज का ध्यान रखना है कि धीरे 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 लेकर जाना इस तरीके से, ये इस तरीके से 1 2 3 1 2 3। अब देख लो यार, आप खुद ही देख लो कि बॉडी बिल्कुल भी रोल नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ मेरे एल्बो और मेरे रिस्ट चल रहे हैं इसके लिए, ताकि मेरी जो बॉडी की जो मूवमेंट है वो अच्छी रहे इसके लिए, इसके हिसाब से। चलो करके दिखाता हूं, ये इस तरीके से, ये। और यहां पर आकर थोड़ा सा स्क्वीज करना है एक सेकंड के लिए, होल्ड होल्ड एंड स्क्वीज, होल्ड एंड स्क्वीज। इसके तीन सेट लेना है, हैवी वेट लेना गेन करने के लिए मसल, लाइट वेट लेना रेपिटेशंस रज के मारना है, किसके लिए? कटिंग के लिए। गाइस अपनी जो दूसरी एक्सरसाइज होगी मैंने बताया था इसी पे करेंगे, वेरिएशन डिफरेंट रहेगा, पर इस पे वेरिएशन किस तरीके से लेंगे, क्या पोजीशन रहेगी वो बताएंगे। तीन ही सेट लेने, पर सेट आपको 10 से 15 रेपिटेशंस के मिड में लेना है। कैसे करना है, किस तरीके से रेंज ऑफ मोशन रहेगा, बॉडी पोस्चर रहेगा, किस तरीके से आपकी स्टेबिलिटी रहेगी, सब कुछ डिस्कस करेंगे इसी में। पहले आप अपना वेट हमेशा ध्यान रखें कि वेट उतना ही लें कि जितना आप प्रॉपर तरीके से कर सकें। चलो मैंने 25 से ही लगाना है मैंने, क्योंकि मैंने ज्यादा वेट नहीं लेना है। इस तरीके से लेट जाओ आप इस पे, इस तरीके से थोड़ा सा इंक्लाइन पोजिशन पे हाथों को यहां रख लो, इस तरीके से यहां पे अपनी एल्बोज रखो और पूरा स्ट्रेच करो, यहां पे आके स्क्वीज करना 1 2 3 अप, 1 2 3 अप, 1 2 3 या ये सर अप,
और यहाँ पर आकर नीचे, जब नीचे आएगा तो आपको पूरा इस तरीके से ओपन करना है अपने हाथों को, ताकि आपके ट्राइसेप पे अच्छा पंप आए, अच्छा स्क्वीज आए। इस तरीके से ये वाली परफॉर्म करना, 3 सेट लेने हैं। बहुत ही स्टेबल एक्सरसाइज है, अगर आप बेंच पे कर सकते हो तो करके देखना, बहुत बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है आपके ट्राइसेप को अच्छी शेप देने में। चलो करेंगे इस वाले एरिया से। अभी तक जो एक्सरसाइजेस मैंने बताई थी वो आपको इस वाले एरिया के लिए बताया, इस बार ये जो एक्सरसाइज रहेगी सिंगल हैंड वाली वो रहेगी बिल्कुल यहां से, बिल्कुल इनिशियल स्टेज से आपको पूरा इम्पैक्ट करेगी ये वाली एक्सरसाइज। वेट इस पे मैंने 10 का लगाया, क्यों? क्योंकि सिंगल हैंड करना है, इस पे पोजीशन बनाना थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कोई मेरे को, मैं सपोर्ट नहीं लूंगा बेंच की या दीवार की या पिलर की, खुद से बनाना है। किस तरीके से करेंगे वो आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। हैवी वेट मारना है मसल गेन के लिए, लाइट वेट मारना है कटिंग के लिए। मैं थोड़ा सा हैवी मार रहा हूं, 10 का है, किस तरीके से करेंगे वो मैं आप लोगों का साथ शेयर करूंगा, क्योंकि 3 ही सेट मारेंगे इस पर सेट पे कम से कम 12, कम से कम 12 मारना है कम से कम, तभी इफेक्ट आएगा। चलो चेस्ट अप, थोड़ा सा हाथ को वाइड कर लें और इस तरीके से यहां पे लेकर आना है। आपकी जो ये वाली जो पोजीशन होगी इस हाथ की, इस तरीके से रहेगी। और यहां से अगर आपको लग रहा है कि नहीं कर पा रहे हो लाइट से लाइट वेट पे भी, तो एक काम करना, आप इसकी हेल्प ले लेना, इसको पकड़ लेना या इसको पकड़ लेना, ताकि इस हाथ से भी आपको थोड़ा सा सपोर्ट मिले, बॉडी जो है कि अनकंफर्टेबल ना हो। चलो 1 2 3 जी, इस तरीके से, बिल्कुल इस तरीके से करना है। 1 2 यहां तक स्ट्रेच लाना है चेस्ट तक, और यहां पे आके पंप करना है। स्ट्रेच एंड स्क्वीज, स्ट्रेच एंड स्क्वीज, यहां पे होल्ड करना है 1 सेकंड के लिए। स्ट्रेच एंड स्क्वीज, स्ट्रेच एंड स्क्वीज। आपने देखा होगा भले ही मैंने वेट भारी मारा है या लाइट मारा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मुझे पता है कि मेरे को कैसे करनी है एक्सरसाइज, इसीलिए मेरी बॉडी स्टेबल थी, मुझे पता है कैसे परफॉर्म करना है, कहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा टिल्ट भी हो जाऊंगा ना, तब भी मैं इसके लिए एग्जैक्ट अपनी मसल को ट्रेन कर सकता हूँ। बट आप लोगों के लिए ये वाली बताने की एक ही मोटिव है, एक ही कारण है कि आप लोगों को सिंपल एक्सरसाइजेस पता लगे, उनकी अच्छे से परफॉर्मेंस पता लगे, उनकी फॉर्म्स पता लगे, उनके जो रूल्स हैं, उनके जो प्रिंसिपल्स हैं, वो आप लोगों को पता लगे कि हाँ कैसे आप एक एक्सरसाइज को कितने नए नए तरीकों से कर सकते हो। तो ये बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, आप इसको घर में भी कर सकते हो। अगर ये वाली एक्सरसाइज, अगर ये मशीन नहीं है, जिम नहीं जा पाते हो, तो इस तरीके से टिल्ट हो जाएं, बैंड हो जाएं और अपने डंबल को उठाएं यहाँ पर, जैसे मैं वहां पे था, इस यहाँ पे मशीन पे मैं ऐसे खड़ा हूँ, यहाँ पे बस मैं टिल्ट हो गया, हाथ मेरा यहीं पर है इस तरीके से, बस ये बता सकते हो आप। किक बैक कहते हैं इसको, रिप्लेस कर सकते हो इससे। जिम में जाते हो तो इससे करें, मशीन से, घर से करते हो। जो चौथी एक्सरसाइज रहेगी वो लेंगे हम कौन सी, रिवर्स, पहले ही बताइए, इस बार भी बताऊंगा, क्यों? क्योंकि मैंने इस बार सिंगल हैंड लिया है रिवर्स, तो सारी इसी के लिए करेंगे। कोई डंबल नहीं लिया है, कोई लेट के नहीं करा है, कोई डिफरेंट वेरिएशन नहीं करें, सिंपल इसी पे करें, सारे मशीन पे करें, आप इजिली ये कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। जिम में जाते हो तो जो न्यू बिगिनर होते हैं मेरे भाई, जिम में कोई कोच नहीं होता, उन लोगों को आइडिया नहीं होता, ये वाली एड ऑन करना बहुत इंपैक्ट आएगा आपके ट्राइसेप को ट्रेन करने के लिए, बहुत बहुत पॉजिटिव एक्सरसाइजेस आएंगे। चलो कैसे करूंगा इस पे, मैं 4 सेट लूंगा इस पे, तो थोड़ा सा हैवी करूंगा। पहले मैंने 25 से करा था उस पे, इस बार मैंने 35 से ले लिया। इस तरीके से करेंगे वो मैं बताऊंगा, इस तरीके से एकदम बैंड हो जाए ये, और चेस्ट को अप रखें, हाथों को अपने जो एल्बोज है उनको चेस्ट के पास रखें, ताकि अच्छा खासा स्क्वीज मिले, स्ट्रेच मिले, ये इस तरीके से करना है। और जब भी नीचे आएगी आपकी जो मसल है उसको अच्छे से पंप करना है धीरे, 1 2 3 यहाँ पे ये इस तरीके से, और यहाँ पे होल्ड करना है 1 सेकंड के लिए, ताकि आपकी मसल को थोड़ा टेंशन मिले। इस तरीके से करना है, बॉडी को बिल्कुल रोल नहीं करना है। मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूं कि अपने टेक्निक पे काम करें, अपनी स्टेबिलिटी पे काम करें, बॉडी आपकी धीरे धीरे बन जाएगी, क्योंकि बॉडी एक दिन में नहीं बनेगी, टेक्निक एक दिन में नहीं बनेगी। तो दोनों काम आप एक साथ करेंगे ना, तो आपको बेनिफिट्स ज्यादा मिलेंगे आपको इन फ्यूचर। चलो आई होप कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स और जो भी ये सेशंस मैं देता हूँ अच्छे लग रहे हैं, और आज की जो वीडियो है वो भी अच्छी लगे। नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आप लोगों से न्यू ब्लॉग में, कुछ नई एक्सरसाइजेस के साथ, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई टिप्स के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें, टेक केयर।